किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि फसल बीमा वो नहीं कराए हैं और कोई आपदा आने पर उन्हें सरकार की ओर से कोई मदद मुहैया नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। इसी बात का संदेश एक एक गांव तक पहुंचाएगी एक वैन, जिसको हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी गोरखपुर के विजयन पांडे ने रवाना किया। दरअसल आम लोगों को ये मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन लोगों को भी आर्थिक मदद दी जाती है जिन्होंने फसल बीमा नहीं कराया है। ये वैन उन 200 गांवों में जाकर लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेगी कि उन्हें भी फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा जो बीमा धारक नहीं है। ये 200 गांव वो हैं जो हमेशा बाढ़ ग्रस्त रहते हैं, तो अगर किसी प्राकृतिक आपदा में फसल उनकी बर्बाद हो जाती है तो ऐसे में उनको डरने की जरूरत नहीं, यूनिवर्सल सैमको बैंक और सरकार उनके साथ है। ये जो इन लोग बता देंगे 200 गांव हमारा जो हमेशा फ्लड होता है जी जी सर, उसी गांव में पहले करना है, वहाँ नॉन लोनी फार्मर्स ज्यादा है। नहीं सर, उसी के लिए हम लोग नॉन लोनी के लिए मिले, क्योंकि बैंक से बाकी तो हो ही जा रहा है, कवर हो ही जाता है, लेकिन ये नॉन लोनी के लिए रखा गया था। अभी तो लगातार बारिश होने वाले, उनका वहाँ कैंप लगा करके फार्मिंग भरा करके कैंप तो लग रहा है सर, लेकिन ये अलग अलग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा कैंप के लोग, तो हम रूट पर घूम के वहाँ क्या पूरा फॉर्म भी भरा के ले लेंगे आप। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आप उसका दो कंपोनेंट होता है, उस पर जो केसीसी टाइप का जो कितने किसान का क्रॉप लोन होता है वो अपने आप कवर हो जाता है, उसके अलावा कितने लोग केसीसी कवर नहीं होते हैं वो नॉन लोनी फार्मर्स कहलाया जाता है। उन लोग का यदि तो उन लोग प्रीमियम जमा किए हैं, यदि तो इनकेस बाढ़ से और देवी आपदा से जो नुकसान होता है उनका पूरा जो भरपाई ये इंश्योरेंस कंपनी माध्यम से दी जाती है। ये बहुत जानकारी जो गांव वाले के होता नहीं है, आप जानते हैं गोरखपुर में हमेशा 200-250 जो गांव हैं बाढ़ प्रभावित इलाके में हमेशा तो उसका जो फसल का नुकसान होता है, उसके बाद नुकसान होने के बाद फिर सरकार का मदद मांगते हैं। हम लोग उसके पहले यानी बरसात का बाढ़ आने के पहले से ये तैयारी किए हैं, यूनिवर्सल सोम्पो करके एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे सरकार के साथ टाइप है, उन्हीं ने जो खासतौर पर आज से एक अभियान चालू किए हैं, तो 200 गांव हमारा बाढ़ प्रभावित गांव है, वहां जा करके जो लोन जो नहीं लिए हैं उन्हीं लोग कवर करते हैं, सो दैट इन केस ऑफ जो बाढ़ हो गया है कुछ नुकसान हो गया उनका पूरा भरपाई इनको इंश्योरेंस पैसा से जरिए से मिल जाता है इसी के पर। वहीं यूनिवर्सल सैमको बैंक के मैनेजर ने भी इस योजना के बारे में कहा, उसमें यह है कि हमको यूनिवर्सल सोम्पो को उत्तर प्रदेश में 32 जिलों में टेंडरिंग में मिला हुआ है, जिसमें हम लोग जो है जो बैंक के जो किसान हैं जिनके द्वारा केसीसी के द्वारा लिया गया है उनको तो हम लोग ने बैंक के द्वारा हम लोगों को पूरा इसका कवर हो जा रहा है, बट जो नॉन लोनी अकाउंट है हमारे जो किसान हैं जिनको अवेयर हैं उसके लिए हम लोग ने वाहन के द्वारा और छोटे छोटे कैंप लगा के उनको अवेयर किया जा रहा है ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। गोरखपुर पुलिस को उस समय कामयाबी